एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि विंसेंजो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं रिपोर्टर्स होंग के बारे में र्यूमर्स फैला रहे थे कि होंग सबसे रिश्वत लेता था और उसने फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिसर्चर्स को भी पैसे देकर टेस्टिफाई करने के लिए रेडी किया था। खैर आगे होंग का फ्यूनरल वगैरह होता है जिसके बाद बाबिल फार्मास्यूटिकल कंपनी को वो मेडिसिन बनाने का लाइसेंस मिल जाता है। दूसरी तरफ योंग अपने फादर की डेथ से काफी शॉक में थी और उसे अब समझ आ गया था कि उसके फादर बिल्कुल सही थे। जिसके बाद हम विंसेंजो को देखते हैं जो कि आज 10 दिन बाद भी अनकॉन्शियस था और योंग उसके पास बैठकर रो रही थी क्योंकि अब वो इस इंसिडेंट के बारे में डीपली इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शुरुआत कहाँ से करे। तभी वो विंसेंजो को जागने के लिए कहती है और विंसेंजो अचानक से आँख खोल कर बैठ जाता है। ये देखकर योंग के तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन विंसेंजो से समझाता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कल रात ही होश आ गया था। फिर विंसेंजो योंग के साथ होंग की ग्रेव पर बुके लेकर जाता है जहाँ वो योंग को पूछता है कि अब तुम क्या करोगी, जिस पर योंग कहती है कि मैं इस इंसिडेंट के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करूंगी। खैर आगे योंग यहाँ से जा रही थी तो रास्ते में वो एक न्यूज़ सुनती है जिसमें बताया जा रहा था कि रिवर में फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक और रिसर्चर की डेड बॉडी मिली है और ये बॉडी मिन की थी, जो देखकर योंग को और भी ज्यादा शक होने लगता है कि वो सैंग फर्म जरूर बाबिल फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ इन्वॉल्व है और वो कंपनी ही ये सब करवा रही है। इसके बाद योंग रिजाइन फॉर्म लेकर हान के पास पहुंचती है क्योंकि अब उसने वो सैंग फर्म को छोड़ने का डिसीजन ले लिया था। हालांकि हान उसे बैठकर बात करने के लिए कहता है, लेकिन अब योंग उसकी एक नहीं सुनती और वो सैंग फर्म का अपार्टमेंट छोड़कर अपने घर पर शिफ्ट हो जाती है। आगे विंसेंजो उसी लोकेशन पर पहुंचता है जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था और यहां में पता चलता है कि विंसेंजो उस पर्सन को जानता था जिसने इनका एक्सीडेंट किया था। अब वो जो के पास कॉल करता है और उसे हेल्प करने के लिए कहता है। वही हांसियो जैसे ही अपने बेडरूम में जाता है तो उसे बेड पर एक पिलो दिखाई देता है जिसके अंदर काफी सारे इंजेक्शंस लगे हुए थे। ये देखकर वो काफी डर जाता है और इस बारे में मियोंग और हान को बताता है, लेकिन उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद ये हरकत किसने की, जिसके लिए दोनों होंग पर शक करने लगते हैं और उसे जेल में डालने का डिसाइड करते हैं। इसी बीच हम जुन को भी देखते हैं जो कि किसी न किसी काम के बहाने इन दोनों की बातें सुन रहा था और इस बार में योंग को इन्फॉर्म करता है, जिसके बाद योंग प्लाजा में पहुंचती है क्योंकि अब वो अपने फादर के ऑफिस को संभालने वाली थी। लेकिन तभी वहां दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जो कि योंग को इंस्ट्रूशन और ब्लैकमेलिंग के क्राइम में अरेस्ट करके ले जाते हैं। दूसरी तरफ होंग का असिस्टेंट विंसेंजो को इस बारे में बताता है तो विंसेंजो कहता है कि वो एक काबिल लॉयर है और वो सुबह तक रिलीज होकर आ जाएगी, लेकिन अब सुबह हो जाने पर भी योंग वापस नहीं आई थी, इसलिए विंसेंजो खुद ही पुलिस स्टेशन जाता है और योंग को रिलीज करवा देता है। फिर ये दोनों कॉफी पर जाते हैं जहाँ विंसेंजो योंग को बताता है कि एक्सीडेंट होने से पहले तुम्हारे फादर के पास में इनकी कॉल आई थी और शायद तुम्हारे फादर का उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। ये सुनकर योंग शॉक हो जाती है और गुस्से में कहती है कि तुमने पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि अब तक मैं कंपनी को बर्बाद कर चुकी होती। जिस पर विंसेंजो कहता है कि तुम चाहकर भी उस कंपनी को कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए और अब सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन योंग भला अब चुप कहाँ बैठने वाली थी, इसलिए वो विंसेंजो के साथ एक डील करती है कि अगर विंसेंजो उसके फादर के केस में हेल्प करेगा तो वो भी उसके प्लाजा को वापस दिलवाने में उसकी हेल्प करेगी। जिसके बाद ये दोनों जेल में उस ट्रक ड्राइवर से मिलने जाते हैं जिसने वो एक्सीडेंट किया था और ये ट्रक ड्राइवर उन्हें उस पर्सन का नाम और नंबर दे देता है जिसने होंग को मारने के लिए ऑर्डर दिया था और इस पर्सन का नाम था मिस्टर पियो। फिर ये दोनों मिस्टर पियो को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी ओर उस ट्रक ड्राइवर को कुछ प्रिजनर्स के हाथों मरवा दिया जाता है ताकि वो दोबारा किसी के सामने मुंह ना खोल सके। इसके बाद विंसेंजो योंग और असिस्टेंट के साथ मिलकर पियो और उसके साथी यो को किडनैप करता है और उनसे पूछता है कि होंग और मिन को मारने का ऑर्डर तुम्हें किसने दिया था, लेकिन ये दोनों इन्हें कुछ भी नहीं बताते। इसलिए विंसेंजो गुस्से में पियो को मार देता है, जिसे देखते ही यो बताता है कि उन दोनों को मारने का ऑर्डर मियोंग ने दिया था, जो सुनते ही विंसेंजो गियो को भी मार देता है और इन दोनों के कपड़े मियोंग के पास पार्सल कर देता है, जो देखकर मियोंग काफी डर जाती है। तभी उसके पास विंसेंजो की कॉल आती है जो उसे पूछता है कि तुम कैसे मरना पसंद करोगी, लेकिन मियोंग की तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर फोन पर कौन है और किस बारे में बात कर रहा था। तभी मियोंग अपने सामने एक ट्रक देखती है और विंसेंजो उसे याद दिलाता है कि उसने ही होंग और मिन को मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन मियोंग अब भी उसकी बात पर एग्री नहीं कर रही थी। तभी वो ट्रक काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ता है, जिसे देखते ही मियोंग काफी डर जाती है। वो विंसेंजो को कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो
और तुम जो भी चाहते हो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर विंसेंजो उसे कहता है कि तुमने बाबल फार्मास्यूटिकल कंपनी को लेकर जितने भी झूठ बोले हैं वो सब कुछ तुम्हें क्लियर करना होगा और लोगों को अपनी और उस कंपनी की असलियत बतानी होगी। साथ ही साथ तुम्हें ये भी बताना होगा कि होंग एक अच्छा और काबिल लॉयर था जो कि सिर्फ सच्चाई का साथ देता था। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है, जिसके बाद विंसेंजो, योंगजॉ और कुछ रिसर्चर्स जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के अगेंस्ट थे, ये सभी फॉर्म चेंज करके फार्मास्यूटिकल कंपनी के वेयरहाउस में जाते हैं और वेयरहाउस को डिसइंफेक्ट करने के बहाने सब जगह पर केरोसिन स्प्रे कर देते हैं। इसके बाद विंसेंजो उस पूरे वेयरहाउस में आग लगा देता है। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि विंसेंजो ने प्योर गियो को नहीं मारा था बल्कि वो सिर्फ एक ड्रामा था और उन्होंने ही उस वेयरहाउस की जानकारी दी थी। खैर आगे हांसियो वेयरहाउस पहुंचता है जहां हर तरफ आग देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी यहां पर फार्मास्यूटिकल कंपनी का रियल ओनर पहुंचता है जो कि कोई और नहीं बल्कि योंग का इंटर्न ज्यून ही था। दूसरी तरफ विंसेंजो वेयरहाउस की ये हालत देखकर होंग की बात को याद करता है जिसमें उसने कहा था कि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी को आग लगाना चाहता हूँ, यानी कि विंसेंजो ने होंग की विश को पूरा कर दिया था। फिर हम जुन को देखते हैं जो कि हांसियो पर काफी गुस्सा हो रहा था। वो उसे मारता भी और उसे समझाता है कि वेयरहाउस में लगी आग को एक एक्सीडेंट की तरह दिखाना वरना कंपनी की रेपुटेशन पर इसका काफी असर पड़ेगा। आगे विंसेंजो हांसियो से मिलता है और वो उसके साथ बात कर समझ जाता है कि वो कंपनी का रियल ओनर नहीं है। वहीं जुन योंग से बात करता है और उसे शक हो जाता है कि शायद योंग ने ही वेयरहाउस में आग लगाई थी। जिसके बाद विंसेंजो योंग से मिलता है और उसे बताता है कि हांसियो कंपनी का रियल ओनर नहीं है। अब ये दोनों हांसियो को रास्ते से हटाने का डिसाइड करते हैं ताकि कंपनी का रियल ओनर इनके सामने आ सके। इधर हान मियोंग को विंसेंजो के बारे में बताता है कि वो एक ऑर्डिनरी लॉयर है और उसका रिकॉर्ड तो बिल्कुल क्लीन है, इसलिए वो ये सब नहीं कर सकता। लेकिन मियोंग विंसेंजो को फीस देखना चाहती थी, इसलिए वो प्लाजा में पहुंचती है जहां उसे असिस्टेंट मिलता है और वो काफी फनी स्टाइल में कहता है कि मैं ही विंसेंजो हूँ। लेकिन मियोंग उसे देखते ही समझ जाती है कि ये विंसेंजो नहीं है। फिर वो उसके ऊपर चिल्लाकर बाहर आती है जहाँ सामने से योंग और विंसेंजो आ रहे थे और अब विंसेंजो को देखकर मियोंग को लगता है कि शायद यही विंसेंजो है। वो उसके पास जाकर उससे पूछती है कि क्या तुम ही विंसेंजो हो, जिस पर योंग कहती है हाँ यही विंसेंजो है लेकिन इनका गला थोड़ा खराब है इसीलिए बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर विंसेंजो ने मियोंग के साथ बात कर ली तो वो समझ जाएगी कि उसने ही उसे मारने की धमकी दी थी। जिसके बाद और रिसर्च करने पर इन लोगों को पता चलता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी सिर्फ एक मेडिसिन ही नहीं बल्कि कई सारे डेंजरस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर रही है जिस कारण से कई रिसर्चर्स मर रहे हैं और बहुत सारे ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। यही नहीं, ये लोग मर चुके रिसर्चर्स के बारे में गलत रिपोर्ट रिलीज कर रहे हैं क्योंकि सारी मीडिया भी इनके ही हाथों में है। खैर आगे ये दोनों लॉयर वो के पास जाते हैं जो कि बाबल फार्मास्यूटिकल के लिए केस लड़ रहा था। ये दोनों उसे केस छोड़ने के लिए कहते हैं लेकिन वो इनकी एक नहीं सुनता, इसलिए विंसेंजो से धमका देता है कि अगर तुमने ये केस नहीं छोड़ा तो तुम ये दुनिया छोड़ दोगे। फिर वो उन सभी विक्टिम्स के पास जाते हैं जिन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी के अगेंस्ट आवाज उठाई थी और ये उन्हें कोर्ट में टेस्टिफाई करने के लिए कन्विंस करते हैं, लेकिन कोई भी टेस्टिफाई करने के लिए राजी नहीं था क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि ये लोग कभी भी कंपनी को हरा नहीं पाएंगे। लेकिन विंसेंजो इन्हें समझाता है और फाइनली ये लोग टेस्टिफाई करने के लिए राजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हांसियो अपनी कंपनी की न्यू मेडिसिन के बारे में बात करने के लिए कंपनी पहुंचता है और जब वो सभी रिसर्चर्स के साथ हैंडशेक करता है तो एक रिसर्चर को ब्लड वॉमिटिंग होती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। दरअसल इस रिसर्चर का नाम ली है और ये प्लाजा में रह रहे मॉन्गशेन का फ्रेंड है। अब सीन प्लाजा की ओर शिफ्ट होता है जहाँ पार्क अपने गुंडे लोगों के साथ खाना खाने के लिए यहाँ मौजूद रेस्टोरेंट में आया हुआ था, लेकिन इनका मेन मकसद था इस रेस्टोरेंट का खाना बेकार बताकर इसे बंद करवा देना। पर इससे पहले ये लोग अपनी दादागिरी दिखा पाते विंसेंजो यहाँ पर पहुंच जाता है और इन सबको एक बार फिर से अच्छा सबक सिखाता है। वहीं मॉन्गशेन अपने फ्रेंड से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है जिसे बाबल कंपनी के हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था, जहाँ डॉक्टर शेन को बताता है कि ली की हालत लुकीमिया की वजह से हुई है और इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी की कोई गलती नहीं है क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने प्रोटोकॉल को सही से फॉलो करती है। ये सब सुनकर शेन समझ जाता है कि ये डॉक्टर भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से मिला हुआ है क्योंकि ली ने शेन को लुकीमिया के सिम्टम्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया था। जिसके बाद शेन प्लाजा के सभी लोगों को इस बारे में बताता है तो ये सभी ली को जस्टिस दिलाने का प्रॉमिस करते हैं क्योंकि ली एक अच्छा इंसान था और वो सभी की काफी हेल्प करता था। जिसके बाद हम लॉयर वू को देखते हैं जो कि प्लाजा में विंसेंजो और योंग से मिलता है, जहां योंग वू के होश उड़ा देती है और उसे बताती है कि सारे विक्टिम्स टेस्टिफाई करने के लिए रेडी हो गए हैं, इसीलिए अब वो तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं।
क्योंकि तुमने फार्मास्यूटिकल कंपनी से पैसे लेकर सेटलमेंट कर ली है। दरअसल वो ने विक्टिम्स के साथ प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें जस्टिस दिलाएगा, लेकिन वो पैसों के लालच में आ गया और उसने फार्मास्यूटिकल कंपनी से सेटलमेंट कर ली। पर अब योंग और विंसेंजो ने विक्टिम्स के सामने उसकी पोल खोल दी थी, जिस कारण से विक्टिम्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया और वो सभी इन दोनों का साथ देने के लिए राजी हो गए। अब ये सब सुनकर वो अपने ऑफिस की ओर भागता है, क्योंकि उसने वो सारे पैसे अपने ऑफिस में ही छुपाए हुए थे। लेकिन जैसे ही वो लॉकर ओपन करता है तो वहाँ पर सिर्फ डोनेशन के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, यानी कि विंसेंजो ने उसके सारे पैसे का पता लगाकर उसे डोनेट कर दिया था। इसी बीच एक स्ट्रेंजर वो पर अटैक करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों योंग और हान से मिलने जाते हैं, जहाँ योंग ने वो के बारे में बताती है और वहाँ पर विंसेंजो भी बोल देता है, जिसकी आवाज़ सुनते ही म्योंग को पता चल जाता है कि उस रात विंसेंजो ने ही उसे मारने की धमकी दी थी। अब हान और म्योंग दोनों समझ जाते हैं कि ये सब कुछ विंसेंजो ही कर रहा है, इसीलिए म्योंग विंसेंजो से रिवेंज लेने के लिए बाबिल फार्मास्यूटिकल के सभी केसेस को अकेले ही हैंडल करने का डिसाइड करती है। वहीं योंग को जब इस बार में पता चलता है तो वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो बस म्योंग को हराना चाहती थी। लेकिन विंसेंजो से समझाता है कि तुम्हारे जीतने के चांसेस सिर्फ 90% है, क्योंकि वु सेंग ने फार्मास्यूटिकल के अगेंस्ट सभी एविडेंसेस को इरेज किया हुआ है और उन्होंने जज को भी पैसे देकर अपनी साइड कर लिया है। इसी बीच हम वो को देखते हैं, जिसे विंसेंजो ने शैक में पैक करके बीच पर फेंका हुआ था, लेकिन फिजिकली वो बिल्कुल ठीक था। जिसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो कि इस केस को लेकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन इनके पास टाइम बहुत ही कम था, इसलिए योंग इस केस को बीच में ही पॉज करने का डिसाइड करती है ताकि उसे थोड़ा और टाइम मिल जाए। दूसरी ओर म्योंग भी केस को लेकर काफी सीरियस थी और रात दिन एक करके हार्ड वर्क कर रही थी। खैर आगे हियरिंग की डेट आ जाती है, जहां ये दोनों ही लॉयर्स काफी टेंशन के साथ कोर्ट में एंट्री मारते हैं, साथ ही साथ प्लाजा के सभी लोग भी यहां पर आए हुए थे। अब केस की हियरिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर ही योंग को पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है, जिस कारण से वो वहीं अनकॉन्शियस हो जाती है। दरअसल योंग ये सब ड्रामा कर रही थी ताकि जज किसी तरह नेक्स्ट डेट दे दे, लेकिन अब तो जज भी वु सांग से मिला हुआ था, इसलिए वो योंग के होश में आने का वेट करता है। ये देखकर योंग वापस उठ जाती है और आर्ग्यूमेंट देने लगती है, लेकिन तभी कोर्ट से लाइट चली जाती है, जिस कारण से सभी कंप्यूटर्स वगैरह बंद हो जाते हैं, जो देखकर योंग काफी खुश होती है, क्योंकि ये काम भी उन्हीं लोगों का था। पर जज तो आज जिद पर ही अड़ा हुआ था, इसीलिए वो कंप्यूटर की जगह लैपटॉप मंगवा लेता है, जिसके बाद ये लोग अपनी आखिरी चाल चलते हैं और कोर्ट में दो हॉर्नेट छोड़ देते हैं, जिस कारण से पूरे कोर्ट में हड़कंप मच जाता है और सभी इधर उधर भागने लगते हैं। हालांकि जज अपनी सीट से नहीं उठता, पर तभी एक हॉर्नेट उसकी चीक पर स्टिंग कर देता है, इसलिए अब मजबूरी में उसे उठना ही पड़ता है। और फाइनली इस केस की हियरिंग डेट एक हफ्ता आगे बढ़ जाती है, जो देखकर विंसेंजो और उसकी पूरी टीम काफी खुश थे, लेकिन म्योंग का चेहरा देखने लायक था। फिर असिस्टेंट विंसेंजो को बताता है कि योंग योंगजा नाम की लेडी का केस लड़ रहे थे, लेकिन वो केस हार गए और योंगजा को जेल हो गई। पर होंग हर मंथ की आखिरी डेट पर उससे मिलने जाया करते थे, क्योंकि वो लेडी बिल्कुल अकेली थी। ये सारी बातें विंसेंजो ऑलरेडी जानता था, इसलिए वो योंगजा से मिलने जाता है। वो उसके पास जाकर कहता है कि अब तुमसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आएगा। वो उसे ये भी पूछता है कि आपके बच्चे कहाँ पर है, जिस पर वो कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। खैर आगे विंसेंजो अकेले में स्मोकिंग कर रहा था और उस टाइम को याद करता है जब उसकी मोम उसे छोड़कर चली गई थी। दूसरी तरफ हम सियोक को देखते हैं, जिसे उसका बॉस विंसेंजो के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि आजकल विंसेंजो काफी चर्चा में था। आगे ये दोनों ड्रिंक करने के लिए एक बार में जाते हैं, जहाँ विंसेंजो योंग से प्लाजा के बारे में बात करता है, जिस पर योंग कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प तभी करूंगी जब तुम मुझे सच सच बताओगे कि आखिर वो प्लाजा तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तब विंसेंजो उसे बता देता है कि उस प्लाजा के नीचे 1.5 टन सोना है, लेकिन इतना सुनते ही योंग हंसने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब शायद विंसेंजो मजाक कर रहा है और वो उसकी बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। खैर आगे विंसेंजो बेसमेंट की इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के लिए टेम्पल में जाता है, तो रास्ते में सियोक उसे देख लेता है और वो उसका पीछा करता है। लेकिन जब विंसेंजो टेम्पल में पहुंच कर एक इक्विपमेंट से इलेक्ट्रिसिटी चेक करता है, तब वो इस पोजीशन में बैठा हुआ था, जिसे देखकर सियोक को लगता है कि शायद विंसेंजो प्रेयर कर रहा है। आगे ये सभी लोग खाना खा रहे थे, जिस दौरान यहाँ एक गिलबर्ट नाम का पर्सन आता है और इन सबको बता देता है कि बिल्डिंग के नीचे काफी सारा गोल्ड है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि उस गोल्ड के ओनर ने यहाँ प्लाजा बन जाने के बाद सभी वर्कर्स को मार दिया था, ताकि ये बात राज ही रह जाए। जिसके बाद विंसेंजो और योंग उन सभी विक्टिम्स को अगली हियरिंग टेस्टिफाई करने के लिए रेडी करते हैं। दूसरी ओर जुन अपनी असलियत हान और म्योंग को बता देता है, जिस बार में पता चलने पर उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि वो दोनों तो आज तक जुन को एक बेवकूफी समझते थे। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि हान सियो जुन का स्टेप ब्रदर है।
जिसके बाद मियोंग को पता चलता है कि वो सारे विक्टिम्स अगले हफ्ते कोर्ट में टेस्टिफाई करने वाले हैं, इसीलिए वो उन सभी लोगों को डोनेशन स्कैम केस में फंसा देती है ताकि केस होने पर वो टेस्टिफाई ही ना कर सके। ये पता चलने पर दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन चाहकर भी उन वर्कर्स को रिलीज नहीं करवा पाते क्योंकि उन लोगों ने विक्टिम्स के खिलाफ झूठे एविडेंस तैयार किए हुए थे। यही नहीं, मियोंग ने हॉस्पिटल में मौजूद ली को भी मेथो पॉजिटिव करवा दिया था, जिस कारण से ली भी टेस्टिफाई नहीं कर पाएगा। अब फाइनली हियरिंग डेट आ जाती है और एक बार फिर दोनों ही पार्टी कोर्ट में पहुंचती है। जैसे ही हियरिंग स्टार्ट होती है तो मियोंग आर्ग्यूमेंट देना शुरू करती है, पर योंग के पास कोई भी विटनेस नहीं था, इसलिए मियोंग जीतने के लिए काफी कॉन्फिडेंस लग रही थी। पर तभी योंग अपनी न्यू विटनेस को कोर्ट में बुलाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि विंसेंजो ही था। दरअसल विंसेंजो ने फार्मास्यूटिकल कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज की पिटाई की, जिस कारण से पुलिस ने उसे पकड़ लिया, इसलिए अब वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के अगेंस्ट टेस्टिफाई करेगा। विंसेंजो को कोर्ट में देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। कोर्ट में विंसेंजो कहता है कि उन रिसर्चर्स की मौत की जिम्मेदार फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिन्होंने अपना खर्चा बचाने के लिए सीवेज डिस्पोजल सिस्टम नहीं लगाया जो टॉक्सिक केमिकल को रोकता है, इसीलिए कंपनी के इतने सारे रिसर्चर्स इसका शिकार हो गए। यही नहीं, विंसेंजो ने जिन एम्प्लॉयज की पिटाई की थी उनमें से एक एम्प्लॉय का फोन वो अपने साथ लेकर आया था। इसी बीच विंसेंजो एक और विटनेस को कोर्ट में बुलाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के डॉक्टर गिल की वाइफ थी, जिनका नाम था किम, और ये ल्यूकीमिया की एक्सपर्ट थी। दरअसल डॉक्टर गिल ने रिसर्चर्स की मौत का कारण ल्यूकीमिया बताया था, इसीलिए गिल की झूठी रिपोर्ट का खुलासा करने के लिए उसकी वाइफ किम को बुलाया गया था। इसी बीच हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें ये दोनों विटनेस की वजह से काफी परेशान थे, लेकिन फिर विंसेंजो को पता चलता है कि डॉक्टर गिल और उसकी वाइफ की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि डॉक्टर गिल उसे चीट कर रहा था और उसने उसे डिवोर्स देने की तैयारी भी कर ली थी। इसीलिए विंसेंजो ने उसकी वाइफ को ये सब बताकर उसे टेस्टिफाई करने के लिए कन्विंस कर लिया। साथ ही साथ उसने किम से प्रॉमिस भी किया था कि डिवोर्स हो जाने के बाद उसकी फर्म ही उसका केस लड़ेगी और गिल की सारी प्रॉपर्टी किम के नाम कर दी जाएगी। प्रेजेंट में किम कोर्ट में एक पेन ड्राइव प्रेजेंट करती है, जिसके अंदर किम के फ्रेंड डॉक्टर रामोस और डॉक्टर गिल के बीच हुई कॉन्वर्सेशन थी, जिसमें डॉक्टर गिल ने डॉक्टर रामोस से उस मेडिसिन के बारे में बात करी थी और डॉक्टर रामोस ने साफ साफ कहा था कि वो मेडिसिन काफी डेंजरस है। यही नहीं, किम कोर्ट में एक मेथोफेटामाइन का पैकेट भी प्रेजेंट करती है, जो कि उसके हस्बैंड गिल का ही था, यानी कि डॉक्टर गिल ड्रग्स भी लेता है, और ये वही ड्रग्स था जिसे हॉस्पिटल में मौजूद ली के अंदर इंजेक्ट करके उसे मेथो पॉजिटिव किया गया था ताकि वो टेस्टिफाई ना कर सके। ये सब देखकर गिल को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी वाइफ को बुरा भला कहने लगता है, लेकिन अब किम उसकी एक नहीं सुनती और उसे सबके सामने ही पीटने लगती है। इस सब के बाद जज अगले दिन की डेट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन काफी गुस्से में होता है और वो हांसियो को कहता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और अपनी सारी गलतियों को मानकर विक्टिम्स को हाई अमाउंट कंपनसेशन देने के लिए अनाउंस कर दो। फिर जॉन हान और मियोंग को अपनी गाड़ी से काफी स्पीड में एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है, जहाँ जाकर वो गुस्से में सबसे पहले अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ता है। फिर वो इन्हें दोबारा वार्न करता है और कहता है कि योंग की हर चीज उसे छीन लो, बाकी विंसेंजो को मैं संभाल लूंगा। दूसरी तरफ विंसेंजो दियोक से मिलता है तो दियोक उसे बताता है कि चेयरमैन ने एक वीक के बाद बिल्डिंग तोड़ने का ऑर्डर दिया है, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है और अगर मैंने एक वीक बाद बिल्डिंग नहीं तोड़ी तो वो मुझे जॉब से निकाल देगा और फिर खुद ही बिल्डिंग को तोड़ेगा। इसी बीच विंसेंजो के पास जो की कॉल आती है, वो उसे बताता है कि बेसमेंट को बिना ज्यादा तोड़फोड़ किए ओपन किया जा सकता है और मैंने एक स्पेशल आर्किटेक्ट को ये काम करने के लिए बुलाया है। वही मियोंग और हान दोनों चीफ प्रोसिक्यूटर ताए के पास जाते हैं और उसे काफी सारे पैसे ऑफर करके बाबल कंपनी के साथ देने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताए इन पर बहुत चिल्लाता है और इनका साथ देने से साफ मना कर देता है। खैर आगे वो आर्किटेक्ट प्लाजा में पहुंच जाता है, जो कि बेसमेंट के ऊपर मौजूद टेंपल की दीवार को अच्छे से चेक करता है और विंसेंजो को बताता है कि हम यहाँ ड्रिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ के कॉलम और बीम्स काफी खराब हालत में है। जिसके बाद हम जॉन और हांसियो को साथ में ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ हांसियो जॉन से पूछता है कि अगर मैं काम को सही तरीके से नहीं संभाल पाया तो क्या तुम मुझे भी हमारे फादर की तरह मार डालोगे। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि जब इन दोनों के फादर हॉस्पिटलाइज थे तब जॉन ने उन्हें पॉइजन का इंजेक्शन लगाकर मरवा दिया था। प्रेजेंट में जॉन हांसियो को बोलता है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझता था, जिसका मतलब यह है कि अगर हांसियो ने उसे डिसअपॉइंट किया तो वो उसे भी मार डालेगा। इधर विंसेंजो जो को बताता है कि वो लोग एक हफ्ते में बिल्डिंग गिरा देंगे और हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, जिस पर जो कहता है कि हमें चुपचाप उनसे पहले ही बिल्डिंग को गिरा देना चाहिए। तब विंसेंजो कहता है कि हम लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस भी हमारे साइड नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जो कि काफी मजेदार भी है और काफी खतरनाक भी। जिसके बाद हम प्लाजा के लोगों को देखते हैं, जो कि गोल्ड के बारे में सोचकर कंफ्यूज थे क्योंकि गिलबर्ट ने इन्हें सब कुछ बता दिया था।
लेकिन इन्हें उसकी बात पर ज्यादा यकीन नहीं था। इधर ये दोनों टीवी पर हांसियो को देखते हैं, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी गलतियों को कन्फेस कर रहा था। इसी बीच योंग को एक पोस्टर से पता चलता है कि म्योंग ने चीफ ताई को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन ताई ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया, जो देखकर ये सभी म्योंग पर काफी हंसते हैं। जिसके बाद विंसेंजो प्लाजा के लोगों से मीटिंग करने जाता है, तभी वहां पर पार्क भी अपने गुंड लोगों को लेकर आ जाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर इन सभी के साइन करवाने के लिए आया था। और विंसेंजो भी चाहता था कि ये कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाए, लेकिन गोल्ड के बारे में पता चलने पर सभी लोग अपना मूड चेंज कर लेते हैं और यहाँ से जाने से साफ मना कर देते हैं। इसी बीच पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आता है और योंग को एक बार फिर से अरेस्ट करके ले जाता है, और ये सब म्योंग ही करवा रही थी। इसीलिए अब विंसेंजो सीधा म्योंग से मिलता है और उसे एक ऑफर देता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रोसिक्यूटर चीफ ताई से डील करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें योंग को जेल से रिलीज करवाना होगा। हालांकि म्योंग को विंसेंजो पर विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद विंसेंजो ताई से मिलने के लिए सॉकर क्लब जाता है, जहाँ उसके बेटे का मैच चल रहा था। विंसेंजो उसे बताता है कि मैं म्योंग की तरफ से आपसे बात करने के लिए आया हूँ। इतना सुनते ही ताई भड़क जाता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है, लेकिन विंसेंजो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को यूरोपियन लीग में खेलने के लिए भेज सकता हूँ, जो तुम्हारा सबसे बड़ा ड्रीम है। तभी यहाँ पर उसका फ्रेंड आता है, जो कि प्लेयर्स को यूरोपियन लीग के लिए सिलेक्ट करने के लिए आया था, और विंसेंजो के कहने पर वो ताई के बेटे को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखकर ताई काफी खुश हो जाता है और वो विंसेंजो को हग कर लेता है। फिर वो म्योंग के साथ डील करने के लिए भी राजी हो जाता है। इधर जब म्योंग को इस बार में पता चलता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जो काम वो नहीं कर पाई थी उसे विंसेंजो ने बड़ी ही आसानी से कर दिया था, इसीलिए वो योंग को जेल से रिलीज करवा देती है। जिसके बाद पार्क के पास जियोग की कॉल आती है, जो कि उसे प्लाजा पहुंचकर रेड जैकेट पहने हुए लोगों को पीटने का ऑर्डर देता है। इतना सुनते ही पार्क अपने गुंडों के साथ प्लाजा जाने के लिए निकल जाता है। इधर योंग भी विंसेंजो के साथ प्लाजा की ओर आ रहा था, जहां रास्ते में वो योंग को बताता है कि पार्क प्लाजा में मारपीट करने के लिए आ रहा है और उसे मैंने ही बुलाया है। दूसरी ओर जो रेड जैकेट पहने हुए कुछ लोगों को प्लाजा की ओर भेज देता है। दरअसल विंसेंजो का प्लान था कि वो रेड जैकेट पहने हुए कुछ लोगों को टीनेज की तरह दिखाएगा, और जब पार्क इनके साथ मारपीट करेगा तो लोगों को लगेगा कि वो रियल टीनेज के साथ ही झगड़ा कर रहा है, जिस कारण से लोग भड़क जाएंगे और पार्क को प्लाजा तोड़ने की डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे ही पार्क अपने लोगों के साथ प्लाजा पहुंचता है तो इनकी नज़र सियोक पर पड़ती है, जिसने रेड शर्ट पहनी हुई थी, और बस ये देखते ही सभी लोग सियोक को पीटने लगते हैं। लेकिन जब प्लाजा के लोगों को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो सभी बाहर आ जाते हैं और इन सब पर अटैक कर देते हैं। तभी यहाँ पर विंसेंजो भी पहुंच जाता है, लेकिन स्मोक की वजह से इन्हें झगड़ते हुए नहीं देख पाता। तभी उसके पास जो की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि सभी रेड जैकेट वाले लोग अपना चेकअप कराने के लिए क्लिनिक गए हैं, इसलिए उन्हें आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये सुनते ही विंसेंजो सोचता है कि जब वो लोग यहाँ पर पहुंचे नहीं तो ये किसके साथ लड़ाई चल रही है। जैसे ही स्मोक क्लीन होता है तो विंसेंजो देखता है कि प्लाजा के लोगों ने पार्क और उसके लोगों की पीट पीट कर बुरी हालत कर दी थी, जिसके बाद इन सभी को पुलिस पकड़कर ले जाती है। लेकिन विंसेंजो ऑफिसर्स को एक वीडियो दिखाता है, जिसमें सबसे पहले पार्क और उसकी टीम ने सियोक पर अटैक किया था, इसीलिए पुलिस इन सबको छोड़ देती है, लेकिन पार्क और उसकी टीम को जेल हो जाती है। दूसरी तरफ हम चीफ को देखते हैं, जिसने म्योंग के साथ डील डन कर ली थी, और इस सब के बाद म्योंग और हान जुन से मिलने के लिए जाते हैं, जहां जुन कहता है कि आखिर तुमने प्रोसिक्यूशन सर्विस को खरीद ही लिया, लेकिन असल में ये काम तुमने नहीं बल्कि विंसेंजो ने किया है, क्योंकि तुमसे तो ये नहीं हो पाया था। और जुन को तो पूरी बात के बारे में पहले ही पता चल गया था कि ये डील किस तरह से साइन हुई है, कि विंसेंजो ने चीफ के बेटे को यूरोपियन लीग में खेलने के लिए भेजा, इसीलिए वो विंसेंजो की बात मान गया। ये सब बोलकर जुन म्योंग की थोड़ी इंसल्ट करता है, जिससे म्योंग को गुस्सा आ जाता है और वो जुन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं विंसेंजो को हर हाल में हरा कर रहूंगी, जिसे देखकर जुन हंसने लगता है और कहता है कि मुझे ऐसा ही गुस्सा चाहिए, तभी तुम विंसेंजो को हरा पाओगी। खैर आगे विंसेंजो और योंग जुन और म्योंग से मिलते हैं, और यहाँ योंग बाबल कंपनी से हाई कंपनसेशन देने की मांग करती है, जिस पर म्योंग कहती है कि बाबल ने ऑलरेडी अपनी गलती मान ली है और वो अच्छा खासा कंपनसेशन भी दे रहे हैं, इसीलिए जो मिल रहा है चुपचाप ले लो, लेकिन योंग इसके लिए एग्री नहीं करती। तभी जुन म्योंग को कहता है कि कोई बात नहीं, तुम एक बार बाबल के सीईओ से बात करके देख लेना, क्या पता वो हाई कंपनसेशन देने के लिए तैयार हो जाए। जिसके बाद विंसेंजो योंग के साथ अपनी मदर यानी कि ग्योंगजा से मिलने जाता है, जो कि हॉस्पिटलाइज थी। डॉक्टर ने बताता है कि उनके पास बहुत ही कम वक्त बचा है,
इसीलिए अगर उसका कोई रिलेटिव है तो उसे इन्फॉर्म कर देना। इसी बीच योंग योंगजा को बताती हैं कि हम आपकी सजा खत्म कराने के लिए अपील करेंगे ताकि आपका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। जिस पर योंगजा कहती है कि मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है। ये सुनते ही विंसेंजो कहता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो। अगले सीन में योंग जुन को बाबिल कंपनी में फेक इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहती है ताकि ये देख कर बैंक्स बाबिल कंपनी को लोन देने के लिए रेडी हो जाए, लेकिन जुन इसके लिए तैयार नहीं था। इसीलिए म्योंग उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे सीक्रेट रिवील कर दूंगी। ये सुनते ही जुन उसकी बात मान जाता है। आगे विंसेंसो जो उसे मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि हांगजाओ में वांग का एक म्यूजियम है जहां आयरिस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा हुआ है, इसीलिए हम वहां से वांग की आइज का डेटा लेकर उसे सेफ रूम को ओपन कर सकते हैं। दरअसल वांग वही पर्सन है जो कि इस सारे गोल्ड का रियल ओनर है। जिसके बाद वांग का बेटा मिन सॉन्ग योंगजा से मिलने के लिए आता है और उसे कुछ पैसे देते हुए केस रीओपन करने से मना कर देता है, लेकिन योंगजा उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करती। दरअसल हुआंग वही पर्सन था जिसका योंगजा ने मर्डर किया था। उसी वक्त यहाँ पर योंग भी आ जाती है और इन दोनों में बहस हो जाती है और योंग इस बारे में विंसेंजो को बताती है। साथ ही साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि मिन सॉन्ग बाबिल कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है क्योंकि मिन सॉन्ग एक बैंक का प्रेसिडेंट है। अब इस इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए योंग मिन सॉन्ग के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। फिर उसे पता चलता है कि मिन सॉन्ग एक गे है और वो कई बार लड़कों को असॉल्ट करने के क्राइम में जेल जा चुका है, लेकिन म्योंग उसकी प्रोसिक्यूटर थी इसीलिए उसने मिन सॉन्ग की हेल्प की और सारे क्राइम्स को छुपा लिया। म्योंग मिन सॉन्ग को परसुएट करने के लिए विंसेंजो को कन्विंस करने लगती है क्योंकि मिन सॉन्ग एक गे था इसीलिए उसे विंसेंजो जैसा हैंडसम लड़का जरूर पसंद आएगा और इस बात का फायदा उठाकर विंसेंजो उसे इन्वेस्टमेंट करने से रोक लेगा। हालांकि विंसेंजो इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन योंग की जिद करने पर वो मान जाता है। फिर वो मिन सॉन्ग से मिलकर उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। मिन सॉन्ग को भी विंसेंजो काफी पसंद आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों डेट पर जाते हैं जहां म्योंग भी नाम के साथ आई हुई थी। जहां विंसेंजो उससे पूछता है कि इतनी छोटी एज में तुम बैंक के प्रेसिडेंट कैसे बन गए। ये सुनते ही मिन सॉन्ग उसके पास आता है और उसे बताता है कि जब मेरे फादर शिंगवांग फाइनेंस के प्रेसिडेंट थे तब मैं नहीं चाहता था कि मैं बैंक का प्रेसिडेंट बनूं, लेकिन मेरे फादर हमेशा वुमेन्स को असॉल्ट किया करते थे चाहे वो हाउसकीपर ही क्यों ना हो। फिर एक दिन मेरे फादर ने हमारी हाउसकीपर को असॉल्ट किया जिस कारण से उन दोनों में फाइट हो गई और खुद को बचाने के चक्कर में उस हाउसकीपर ने मेरे फादर को मार दिया। हालांकि मेरी मदर ये सब होते हुए देख रही थी, लेकिन उन्होंने मेरे फादर की हेल्प नहीं की क्योंकि मेरी मदर खुद सिंगवांग फाइनेंस की प्रेसिडेंट बनना चाहती थी, इसीलिए मेरे फादर के मरने के बाद उसकी विश पूरी हो गई। ये सब सुनकर विंसेंजो को काफी गुस्सा आता है क्योंकि अगर मिन सॉन्ग की मदर चाहती तो वो योंगजा को जेल जाने से बचा सकती थी। खैर आगे विंसेंजो मिन सॉन्ग को वीकेंड पर मिलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ प्लाजा के सभी लोग वहां पर गोल्ड ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वीकेंड वाले दिन विंसेंजो मिन सॉन्ग से मिलता है और ड्रामा क्रिएट करते हुए कहता है कि तुम बाबिल ग्रुप में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो तो इतनी बेकार कंपनी है और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। इतना सुनते ही मिन सॉन्ग इमोशनल हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। जिस पर विंसेंजो कहता है कि तुम रहने दो, तुम भला मेरी बात को क्यों मानोगे, आखिर मैं तुम्हें एडवाइस देने वाला होता कौन हूँ। फिर वो मिन सॉन्ग से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और उसे मिलने से भी मना कर देता है। अब मिन सॉन्ग तो विंसेंजो के प्यार में पागल हो चुका था इसलिए वो उसकी बात मान जाता है। अगले सीन में हम सेरेमनी का एक सीन देखते हैं जहां मिन सॉन्ग एग्रीमेंट पर साइन करने से मना कर देता है, लेकिन तभी वहां पर उसकी मदर आ जाती है और मिन सॉन्ग को यहां से भगाकर खुद एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। दरअसल म्योंग को ये बात पहले से ही पता थी कि मिन सॉन्ग आसानी से किसी की भी बातों में आ जाएगा, इसीलिए म्योंग उसकी मॉम से मिली और उसे मिन सॉन्ग का सीक्रेट रिवील करने की धमकी देकर उसे एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मजबूर किया। साइन हो जाने के बाद विंसेंजो मिन सॉन्ग को किडनैप करवाकर उसे एक स्कैरी रूम में बंद कर देता है जहां प्लाजा के लोग ज़ॉम्बीज बनकर उसे बुरी तरह डराते हैं, जिसके बाद ये लोग उसे बाहर निकाल देते हैं, जिसकी हालत देखकर सभी लोग काफी शॉक थे। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है और मिन सॉन्ग की मदर को ब्लैकमेलिंग और असॉल्टिंग के क्राइम में अरेस्ट करके ले जाती है। फिर विंसेंजो मिन सॉन्ग के पास आता है और उसके कान में कहता है कि मेरा असली नाम विंसेंजो है, क्योंकि उसने उसे अपना फेक नाम बताया हुआ था और उसने ये सब अपनी मदर के रिवेंज के लिए किया था। अब विंसेंजो और योंग ये सब करके काफी खुश थे, इसीलिए म्योंग गुस्से में योंग से कहती है कि शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ था। ये सुनते ही योंग भी काफी गुस्से में आ जाती है और सारे रिपोर्टर्स को बुलाकर कहती है कि मैं लॉयर होंग की बेटी हूँ जो कि बाबिल ग्रुप का केस लड़ते लड़ते मर गए।
लेकिन अब मैं बाबिल कंपनी के सारे काले कारनामे दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। साथ ही साथ वो मीडिया में भी बता देती है कि वो सॉन्ग फर्म ने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को खरीद लिया है। जिसके बाद ये दोनों ग्योंगजा से मिलने के लिए जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ग्योंगजा को पहले भी लंग कैंसर हो चुका था, लेकिन वो 4 साल बाद बिना सर्जरी के अपने आप ही ठीक हो गया। ये सुनते ही विंसेंजो समझ जाता है कि उसकी मदर कैंसर होने की वजह से ही उसे ऑर्फनेज में छोड़कर गई थी, क्योंकि उसे डर था कि वो कैंसर से जल्दी ही मर जाएगी। फिर हांसियो जून के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि सिंगवांग फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट के बावजूद कोई भी बैंक बाबिल ग्रुप को लोन देने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल योंग ने बाबिल के खिलाफ जो कुछ भी कहा था उससे बाबिल की रेपुटेशन पर गहरा असर पड़ा था, इसीलिए कोई भी बैंक इन पर बिलीव करने के लिए रेडी नहीं था। इस बात से हांसियो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे योंग और विंसेंजो को मरवाने के लिए कहता है, लेकिन जुन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसका मानना था कि वो दोनों उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उसे और भी ज्यादा मजबूत बना रहे हैं और वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। जिसके बाद हांसियो चीफ प्रोसिक्यूटर ताए और उसके असिस्टेंट के साथ मीटिंग करता है, जहां म्योंग और हान भी मौजूद थे। अब यहाँ ताए और उसका असिस्टेंट हांसियो के साथ काफी रूडली बिहेव करता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि बाबिल कंपनी की हालत काफी खराब है, इसीलिए कंपनी को उन दोनों की काफी जरूरत है। वहीं दूसरी ओर जुन उनकी सारी बातें सुन रहा था और उन दोनों का बिहेवियर देखकर जुन को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो ताए और उसके असिस्टेंट को किडनैप करवाकर एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है, जहां जुन ताए के असिस्टेंट को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है, जो देखकर ताए काफी डर जाता है और उसे सॉरी बोलकर बिना किसी कंडीशन के उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं विंसेंजो और योंग दोनों उन विक्टिम्स के साथ डिनर करके वापस लौट रहे थे और जैसे ही योंग अपने घर जाती है तो दो स्ट्रेंजर्स उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इससे पहले वो उसे इंजर्ड करते विंसेंजो वहां पर पहुंच जाता है और इन सब की अच्छे से पिटाई करके योंग को बचा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद योंग काफी डर जाती है, इसीलिए वो सोने के लिए विंसेंजो के साथ प्लाजा में चली जाती है। अगले दिन योंग को न्यूज के जरिए पता चलता है कि प्रोसिक्यूटर थाइक के असिस्टेंट की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, लेकिन विंसेंजो कहता है कि उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया है। दूसरी तरफ हांसियो जुन को बताता है कि मैंने कल रात योंग पर अटैक करवाया था। इतना सुनते ही जुन उस पर भड़क जाता है और उसे वॉर्न करता है कि आगे से हर काम मुझसे पूछ कर करना। इसके बाद विंसेंजो जो से मिलने के लिए जाता है, जो कि उस म्यूजियम से वांग का आई डेटा ले आया था। वो उसे कहता है कि बस अब हमें उस टेंपल को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना होगा ताकि हम बेसमेंट के अंदर आसानी से जा सके। फिर विंसेंजो सीधा टेंपल में जाता है और मॉन्क जियोक के साथ टेंपल हटाने के बारे में बात करता है, लेकिन जियोक ये जगह छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर योंग और विंसेंजो प्रोसिक्यूटर जुंग से मिलते हैं। दरअसल जुंग एक काफी पोलाइट प्रोसिक्यूटर था और उसने भी बाबिल फार्मास्यूटिकल की असलियत लोगों के सामने लाने की कोशिश की थी। खैर जुंगे ने बताता है कि डॉक्टर गिल फार्मास्यूटिकल के बारे में सब कुछ जानता है, यही नहीं वो ये भी जानता है कि कंपनी के पहले ओनर की डेथ कैसे हुई थी और उसके दोनों बेटे में से ही अब कंपनी किसी के हाथ में है। फिर ये दोनों जुंग के साथ मिलकर गिल को डरा धमका कर उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने का प्लान बनाते हैं। इसी बीच एक पर्सन इन तीनों की छुपकर फोटो क्लिक करता है और उसे जुंग के पास सेंड कर देता है। दूसरी ओर हांसियो आरडीओ 90 मेडिसिन को दोबारा से मैन्युफैक्चर करने के लिए काम शुरू कर देता है और अपने सभी मैनेजर्स को सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए भी कहता है। जिसके बाद विंसेंजो योंग और नाम तीनों गिल के घर पर जाते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर गिल को ऑलरेडी बाबिल वालों ने मरवा दिया है, क्योंकि जुन को इनके प्लान के बारे में पता चल चुका था। यही नहीं, जुन उन विक्टिम्स को भी मरवा देता है जो कि विंसेंजो का साथ दे रहे थे और उसने उन सबकी डेथ को एक सुसाइड की तरह पुलिस के सामने प्रेजेंट किया था, जिस कारण से पुलिस को लगता है कि इन सभी ने सुसाइड किया है। इसीलिए पुलिस इन लोगों का केस बंद कर देती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।